बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वर्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सनस्क्रीन। वर्स, ये जो सनस्क्रीन है बेसिकली अक्सर खवातीन, लड़कियाँ, जेंट्स हज़रात होते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर एक्ने भी बहुत ज़्यादा होती है, स्किन सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर ऑयल आ रहा होता है, और वो अक्सर आके पूछते हैं कि कौन सा ऐसा सनस्क्रीन है जो सेंसिटिव और एक्ने और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो, जिससे आपके चेहरे के ऊपर एक्ने ना आए और ख़त्म भी हो एक्ने और स्किन भी आपकी साफ़ हो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें और वीडियो को थ्रू आउट एंड तक देखने के बाद लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलें व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच ब्रांड है जिसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, और ये उसका बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। बेसिकली SPF 30 के साथ है, इसमें SPF 50 भी आता है, 100 तक SPF आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सनस्क्रीन इसमें आते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो SPF 30 जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, और बहुत ज़्यादा यानी कि ब्लैमशिज चेहरे के ऊपर हों और सेंसिटिव स्किन हो तो फिर आप ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। बायोडर्मा का फोटोडर्म ये मैट सनस्क्रीन है जो आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अच्छा, जो इसके एक्टिव इन्ग्रीडियंट है ना, जिसकी वजह से ये एक्नी स्किन के लिए इंतहाई इफेक्टिव है, इसके अंदर सैल्सिलिक एसिड है, ठीक है ना व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स। और आपको पता होना चाहिए कि सैल्सिलिक एसिड ऑयल को भी कंट्रोल करता है और एक्ने को रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, क्या सैल्सिलिक एसिड। फिर इसके अंदर और भी इसका एक बड़ा खूबसूरत इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है वैसे सारे इसके, तो ग्लाइकोलिक एसिड है, ये स्किन को साफ़ करने का काम करता है, स्किन को यानी कि आपका जो एसेस ऑयल है उसे रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और पीलिंग का काम करता है चेहरे के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये जो सनस्क्रीन है आपको हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा। फ्रांस का ये ब्रांड है, जो ML देखे जाएँ तो 40 ML है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, हाइपोलर्जेनिक है, नॉन कॉमोजेनिक सनस्क्रीन है जो आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कौन सा? बायोडर्मा का SPF 30 फोटोडर्म के नाम से जो सनस्क्रीन आता है, UVA UVB के साथ है, यानी कि अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए रेजेस के साथ ये यानी कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है और आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो टेक्सचर है ना वो भी आपके साथ मैं शेयर कर ही देता हूँ, ये देखें, ये क्रीमी सा टेक्सचर है इसका और बिल्कुल नॉन ग्रीसी इफेक्ट है इसका, ये देखें, बिल्कुल मैट फिनिश है, प्योर मैट है, ये फ्रेग्रेंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इसमें, चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी और वाकई ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए, ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन सनस्क्रीन है बायोडर्मा का जो आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो लाजमी ट्राई करें। इसके जो प्राइसेस हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको तकरीबन 5050 रुपीज़ का आपको तकरीबन हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है। एक्सपायरी इसके यहाँ पर भी मैंशन है और इसके पैंदे पे भी एक्सपायरी नीचे पे मेंशन होती है। जब भी आप ये सनस्क्रीन लें तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने एक्सपायरी ज़रूर देखनी है। फ्रेंच ब्रांड है जिसकी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर की जा रही है। और पिछली वीडियो में मैंने न्यूट्रोजिना की जो हाइड्रो बूस्ट क्रीम है उसमें 2 किस्म के जो मॉइस्चराइज़र आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, अगर वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे मिल जाएगा, वो भी वीडियो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से किसी ने सनस्क्रीन इस्तेमाल किया तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा, यूज़ करने के बाद इसका आपको कैसा रिजल्ट मिला है, और आपके फर्दर माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरी कोशिश होगी तो एज़ सून एज़ पॉसिबल इसके ऊपर वीडियो बना के आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड के किसी नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।